कृतिका को 4 साल पहले दिल्ली एयरपोर्ट पे मिला था। मेरे एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी थी, वहाँ मिला। फिर वहाँ पर हम लोग आए थे इनको रिसीव करने के लिए। ये अपने फ्रेंड के साथ आई थी, फिर हमने इनको रिसीव किया। फिर हम लोग अपने फ्रेंड के फ्लैट में गए, फिर वहाँ से एक दो बार और मुलाकात हुई। फिर डायरेक्ट मुलाकात हुई मेरे फ्रेंड के बर्थडे पार्टी पर। मैंने फिर उनको फर्स्ट टाइम अच्छे से मेरे फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में देखा था, फिर मुझे वहाँ पर बहुत पसंद आई। लगता था बचपन से ही। जब बचपन में हम लोग जैसे कभी झगड़ते तो नहीं थे, मम्मी पर एक बार झगड़ा हुआ तो मैं उसको धक्का दे दी, उसको बहुत ज़्यादा चोट लग गई, तब मुझे बहुत अफसोस हुआ। उस दिन के बाद से हम झगड़ा करना छोड़ दिए थे। पहली बार जब मैं कृतिका को देखी तो मुझे ऐसा लगा जैसे सामने मेरे कोई बार्बी डॉल खड़ी है। सी जस्ट लाइक फिर कुछ बोल नहीं सकती है, स्पीचलेस। सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए मिलना है उस रब का इशारा मानो, मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। मैंने इनको प्रपोज किया था 28 मई 2014 को, लेकिन इनका रेस्पॉन्स उस टाइम कुछ खास नहीं था। बातें तो करती थी मुझसे, लेकिन इसके बारे में कुछ जवाब ठीक नहीं था। फिर आहिस्ता आहिस्ता और थोड़ी मुलाकात हुई, थोड़ी और बातें हुई, दोबारा प्रपोज किया था। फिर उस टाइम इनका हाँ एयरपोर्ट पे, पूरे एयरपोर्ट पे पूरी पब्लिक थी वहाँ पे। दीपक अपने नीज पे आके मुझे प्रपोज किए विद रेड बुके। तब मैं दीपक से मतलब फैक्ट्री मैंने पहले ही सोच लिया था शादी करना है करके, पर उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई मुझे इतना स्पेशल फील। लेकिन हाँ तो भरी, लेकिन वो नखरे से हाँ भरी। हाँ तो बोली ना, हाँ तो बोली सुना हूँ। उसके बाद हम लोग दिल्ली से रायपुर की फ्लाइट पकड़ के रायपुर आ गए, और फिर यहाँ पर मॉम डैड दीपक को ऑफिशियली अपना मान मान लिया। कृतिका बहुत सुंदर है, हमको बहुत पसंद है, और जो हमारे बच्चे को पसंद है वो हमको और भी ज़्यादा पसंद है। कृतिका को बहुत प्यार करता है,
कृतिका पे हमको कृतिका बहुत अच्छी लगती है। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, ने फिर अभी बात बताई कि मेरी दीदी को कि मेरी दीदी ये बहुत फ्रिक्वेंटली बात करते हैं कृतिका से। फिर मेरी दीदी ने ये बातें पापा मम्मी से शेयर करी। पापा ने मुझे एक दिन चुपके से बुलाया और सब फिर डिटेल में पूछी कृतिका के बारे में। मैंने आपको बताया कि कृतिका कौन है, क्या है, कहाँ पढ़ती है, क्या करती है। मम्मी को सबसे पहले बताया कि मम्मी दीपक नाम का मेरा फ्रेंड है। उसके बाद जब पापा मम्मी ठीक है, फिर पापा मम्मी दीपक के घर गए 29 मई को, तो फिर दीपक उनको इतने पसंद आए कि पापा उसी दिन दीपक का छेका करके आ गए थे। छेका क्या होता है? छेका मीन्स अपोजिट ऑफ रोका। अच्छा, ये बात है। बस फिर उसके बाद पापा मम्मी मान गए, फिर पापा मम्मी ने सारे रिलेटिव्स को बताया कि ऐसा है करके, फिर अब फाइनली आज हमारी सगाई हो गई।